नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का सेट। तो हेडिंग लगा लीजिए सेट्स क्लास 11th पार्ट फर्स्ट। ये पहली लेक्चर होगी हमारी और इसमें हम कल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और हम बताएंगे कि क्या क्या आपको इसके अंदर पढ़ना है। इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या सेट्स की क्या क्या इंट्रोडक्शन है, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, कुछ पार्ट पढ़ेंगे भी। तो सबसे पहले लगा लीजिए आप हेडिंग सेट्स और सेट्स का डेफिनेशन लिख लें। तो सेट्स बोलते किसको हैं, तो पहले मैं डिस्कस कर देता हूँ कि देखिए सेट है क्या, कि किसी भी चीज का कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन है। जैसे मैंने बोला कि आप नेचुरल नंबर लिखिए, आप क्या लिखिए, नेचुरल नंबर लिखिए, नेचुरल नंबर लिखिए। और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लिखिए, तो मैं बता देता हूं कि लेस देन फाइव, लेस देन फाइव, यानी आपको नेचुरल नंबर लिखना है और लेस देन फाइव लिखना है। तो नेचुरल नंबर बच्चों वन से स्टार्ट होता है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनफिनिट तक जाएगा। तो ये जो वन से लेकर इनफिनाइट तक काउंटिंग नंबर्स को हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं और हमें नेचुरल नंबर लिखना है लेस देन फाइव, इसका मतलब कि ये वन टू थ्री और फोर ही तक मुझे लिखना होगा। तो ये नेचुरल नंबर जो हम लेस देन फाइव लिखे, इसमें केवल चार ही एलिमेंट आएंगे। पहला एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो चार ही एलिमेंट आएंगे इसमें। तो ये चार एलिमेंट को अगर हम एक साथ लिख दें, चार एलिमेंट को हम लोग एक साथ लिख दें, तो ये एक सेट तैयार। और ये सेट किसका तैयार हुआ, सेट तैयार हुआ नेचुरल नंबर का। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर जो x की वैल्यू है वो लेस देन फाइव। मतलब आखिर में हमने ये जो नंबर लिखा है ये नेचुरल नंबर है और पांच से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट्स कलेक्शन है। सेट्स क्या है? कलेक्शन है। और उस चीज का कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है। जैसे हम डिफाइन कर जाएंगे x इज द एलिमेंट ऑफ n यानी नेचुरल नंबर, तो जाहिर सी बात है, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लगाएं, लिखें कि सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ सेट्स आर द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स या और ऑब्जेक्ट्स। आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते, यानी आपके पास जो सेट तैयार होगी वो कलेक्शन होगी किसी ना किसी एलिमेंट। जैसे यहां पे कलेक्शन है लेस देन फाइव का, नेचुरल नंबर लेस देन फाइव का कलेक्शन, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया। तो मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं और आप इसको डेफिनेशन को आप लिख लें। अब बच्चों आप एक चीज को ध्यान दें कि सेट्स को हम हमेशा कैपिटल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ सेट लिखना है, तो मैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करूंगा। तो लेट सो और सेट्स आर डिनोटेड या रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी एक्स वाई, ऐसा इससे आप रिप्रेजेंट करें। जैसे अभी मैंने बोला था कि आपको नेचुरल एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो आप एक्स लिखेंगे वो नेचुरल नंबर का पार्ट होना चाहिए और एक्स लेस देन सेवन होना चाहिए। जाहिर सी बात है काउंटिंग नंबर्स को हम शुरुआत करते हैं क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल रहा है। देखिए भैया, सबसे पहले चीज क्या है कि ये जो साइन है ना, इसको बिलोंग्स टू बोलते हैं या एलिमेंट ऑफ बोलते हैं। लेकिन इसी को ऐसे काट दिया जाए तो
तो नॉट बिलोंग्स टू या एलिमेंट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बोलेंगे या नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे, जब कट गया तो नॉट और अगर ऐसे है तो बिलोंग्स। तो मेरा कहने का मतलब है जो देखो देखिए कि x इज द एलिमेंट ऑफ n, x इज द एलिमेंट ऑफ n यानी x जो है नेचुरल नंबर का ही पार्ट है और x की वैल्यू 7 से छोटी है, इसका मतलब कि हम इसके इस सेट को इस तरह से लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 less than 7, 6 ही तक लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो सेट A है, ये जो सेट A है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट इस चीज को रिप्रेजेंट करता है x less than sorry x is the element of, इसको बोलते हैं element of, x is the element of natural number, x belongs to x less than 7। तो 7 से आपको छोटा लिखना था इसलिए आपने सेट तैयार किया कि ये सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ये कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है? इस चीज का। सेट्स में बच्चों यही है कि सेट एक वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का कलेक्शन है और सेट्स को हम लोग ए बी एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी सी कैपिटल सी के से। तो ए जो है यहाँ पे मैंने इसीलिए ए लिख दिया और इसी चीज को मैंने सेट ए के रूप में दिखाया, इस चीज को मैंने सेट ए के रूप में दिखाया और इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सेट ए, ठीक है। इतनी बात इसमें है। अब सेट्स को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म है और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। मैं आपको अंतर समझा देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ, देखे मैं देखें सेट को दो फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो टेबुलर फॉर्म और इसी का नाम है रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट तो टेबुलर और रोस्टर फॉर्म और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। मैं समझा देता हूं आपको कि ये दोनों फॉर्म किसको बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। हाँ देखिए जैसे बच्चों मैंने बोला अभी जस्ट बोला कि आपको नेचुरल नंबर लिखना है, आपको क्या लिखना है, नेचुरल नंबर लिखना है और नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर लिखना है जो लेस देन 8 हो या 7 हो। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, x such that x को पढ़िएगा देखिएगा ध्यान से, x such that x belongs to natural number and x is less than 7, मान लीजिए मैंने इसको लिखा और इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख, हमेशा सेट्स को ना कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये मैंने कहा a सेट, तो ये जो फॉर्म आपने लिखा ना ये फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म फॉर्म कौन सा कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म। क्यों कह रहा है सेट बिल्डर फॉर्म, क्यों कहे हम इसको, तो सेट बिल्डर फॉर्म कहने का एक कारण है, आपको देखें यहां पे पहचाने इस चीज को कि जहां इस टू लगा रहे एलिमेंट्स दिया रहे एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7 तो समझ जाइए कि वो सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरी चीज अब इसी सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हमको लिखना हो टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, तो इसी एलिमेंट को हम इसी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म को पढ़ेंगे और इसी को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूं x such that x is the element of natural number, natural number का एलिमेंट है x, इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, अब एलिमेंट है तो कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, आगे चलते जाएगा, मतलब ये नेचुरल नंबर पार्ट है। अब क्या कहता है कि एंड x is less than 7 यानी x जो है 7 से छोटा है, वही नेचुरल नंबर लिखनी है जो 7 से छोटा है, तो ये नेचुरल नंबर बाकी 7 8 को एलिमिनेट कर दिया, तो मैंने इसको अब कर दी ब्रैकेट के अंदर रख दिया। तो आखिर में ये टेबुलर फॉर्म कहलाया, क्या कहलाया, टेबुलर फॉर्म।
टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। इस टेबुलर फॉर्म में हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट्स हैं डायरेक्टली रखे हुए हैं दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में, इसमें ऐसा कुछ कोटेशन नहीं मिलेगा आपको कि x such that x belongs to natural number। बस यही अंतर है सेट बिल्डर फॉर्म में और नेचुरल फॉर्म में। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं ठीक है कि टेबुलर फॉर्म में दे दिया, रोस्टर फॉर्म दे दिया, जैसे मैं दे दिया आपको एक एग्जांपल कि ए ई आई ओ क्यू, तो आपको ये टेबुलर फॉर्म के अंदर रखा हुआ है ए ई आई ओ क्यू ठीक है, और आप इसको देख के आप समझ सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म के अंदर है, टेबुलर फॉर्म पंकज ने टेबुलर फॉर्म दिया है और बोल रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ए ई आई ओ यू ये तो वॉवेल है, तो जब इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे, मान लीजिए सेट बी है, जब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिएगा तो आप कैसे लिखिएगा, बी इज इक्वल टू एक्स इज एक्स सच दैट एक्स इज अ एक्स सच दैट x such that, मतलब x वो इस तरह की होनी चाहिए, x such that x is a ball, x is a ball, x क्या होना चाहिए, vowel होना चाहिए, तो vowel of x अपना x लिख सकते हैं, vowel of a alpha, इतना ही बात। तो मुझे लगता है कि आपको दो चीज समझ में आया, मुझे जो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है वो दो तरीके से है, एक तो टेबुलर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में किसी चीज को कैसे लिखते हैं, टेबुलर फॉर्म में किसी चीज को कैसे लिखते हैं, ये दोनों में आप डिफरेंशिएट कर चुके होंगे, दोनों को आप समझ चुके होंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ता हूं, इजाजत दीजिए और पॉज करके नोट डाउन कीजिए। देखें जल्दी जल्दी, देखें मैं शॉर्ट टाइम के लिए वीडियो बनाऊंगा। देखें थर्ड, अब हमको बात करनी है कि सेट में डेफिनेशन कुछ कुछ है, जैसे एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हेडिंग लगा लीजिए एम्प्टी सेट, तो ऐसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, दो सेट set is said to be empty, if there is no element। जब उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो वो empty कहा जाए। empty को हम लोग phi से represent करते हैं, किससे करते हैं बच्चों बताइए, phi से, और phi जो है वो phi को हम लोग दो curly brackets से लिख के ऐसे उसके अंदर कोई भी elements नहीं लिखेंगे, तो ये empty set हो गया, क्योंकि set उस set के अंदर तो कोई element होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि element तो होता ही नहीं है, तो लिखा there is no element, element होता ही नहीं, तो इस दोनों curly bracket के बीच में मैंने क्या कर दिया कि कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, और इसको इस एम्प्टी सेट को हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जहां भी फाई देखिए समझ लीजिएगा कि एम्प्टी सेट है ठीक। इस एम्प्टी सेट को दूसरा भी नाम है, एम्प्टी सेट का दूसरा भी नाम है, जैसे कि एम्प्टी सेट का क्या नाम है, तो एम्प्टी सेट को आप नल सेट भी कह सकते हैं, आप वॉइड सेट भी कह सकते हैं, इतनी सारी चीजें आप कह सकते हैं, वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एम्प्टी सेट क्या है, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, और आप इसको जल्दी से पॉज करके नोट डाउन करें। अब मैं फिर आता हूं अगले टॉपिक पे, एम्प्टी सेट के बाद आपको पढ़ना है सिंगलटन सेट, कौन सा सेट, सिंगलटन, सिंगलटन सेट ठीक है, तो दिस सेट इज सेट टू बी सिंगलटन, द सेट इज सेट टू बी
said to be called as singleton if there is one element. यानी उसको आप सिंगलटन से कहेंगे जिसके पास क्या है, केवल एक एलिमेंट है. क्या है? एक एलिमेंट है. तो आप सिंगलटन से क्या एग्जांपल में आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने मान लिया कि एक एलिमेंट लिखता है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए मैंने 3 लिख दिया. ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये सिंगलटन सेंटेंस, सिंगलटन से को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर. ठीक है, तो ये सिंगलटन सेंटेंस क्यों भाई? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट इस दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में है, एक ही एलिमेंट है दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच. अब मैं ये कहना चाहता हूं कि सिंगलटन सेट जो है मेरे पास, अब इसको आप बता मुझे देख के बताइए, एक एग्जांपल में देता हूं, आप पहले मुझे बताइए कि सिंगलटन है कि नहीं. अगर मैं बोलूं कि x such that x square minus 9 is equal to 0, ठीक है, x such that x square minus 9 is equal to 0, मैं एग्जांपल ले लेता हूं. Finite.
the set is set to be finite. The set is set to be finite. Set to be called finite. The set is set to be called finite if they have finite number of finite sabse na finite number of एलिमेंट. जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, सेट ए लिखा हुआ है और सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब देखिए इसमें 6 एलिमेंट है जो कि फाइनाइट नंबर है, कैलकुलेटिव है ये नंबर, कैलकुलेट कर सकते कितना अभी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है इसके अंदर, 6 तो एलिमेंट है इसके अंदर. अगर यही एलिमेंट अगर हम इसी को ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब कि इसके पास 6 के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, 6 के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट है, बस लिखा हुआ नहीं है, यहाँ डॉट डॉट लग गया तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा. यानी इनफाइनाइट सेट का आप डेफिनेशन यहां से लिख सकते हैं, they have non-finite number of elements, they have infinite number of elements, they have. ये तो आपका example finite set का हो और ये example they have non-finite number of elements. Simple सी बात है. और इसको आप इसका एग्जांपल ये मेरे पास समझ आ रही. अगर आपकी काउंटिंग पॉसिबल है कितने हैं तो आप फाइनाइट समझिएगा, काउंटिंग नहीं पॉसिबल है डॉलर लग गया आई कितना है ये नहीं बता सकते तो आप समझिए कि वो इनफाइनाइट सेट. बस एक टर्मिनोलॉजी है आपको ध्यान रखना है कि भाई सिंगलटन सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है, फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, इक्वल सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट होता है, ये सारी बात आपको पता होना चाहिए. बस आगे नेक्स्ट टॉपिक लाइए उसमें लिखिए. इक्वल सेट, इक्वल सेट में क्या है, इक्वल सेट में ये है बच्चा कि दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, बस काम खत्म. दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट. दो सेट को तभी इक्वल कहेंगे जब उनके पास सेम सेम एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट सीधे दे हैव द सेम एलिमेंट, दे हैव द सेम एलिमेंट. ठीक है, तो दो सेट को हम लोग इसे मान लीजिए ये ए है और इसमें मैंने लिखा 1, 2, 4 और दूसरा बी है मैंने लिखा 4, 4, 2, 1 या एक मैं बोलूंगा सॉरी बी है और एक सी है इसका है 2, 1, 4 एक डी है मैं बोलूंगा 2, 2, 1, 4 एक ई है जो मैं बोलूंगा 2, 1, 1, 4, 4 अब देख मैं समझा देता हूं एकदम क्लियर. इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, सेम एलिमेंट होगा. अब जाहिर सी बात है हम आपको पूछेंगे सेट ए में क्या क्या एलिमेंट है तो आप बोलेंगे 1 है 2 है 4 है. अगर मैं बोलूंगा क्या 1A और सेट ए और सेट बी इक्वल है तो आप बोलेंगे हाँ. क्यों बोलेंगे हाँ मुझे आप मैं बताता हूँ क्यों बोलेंगे आप. ए इज इक्वल टू बी, दो सेट तभी इक्वल होगा जब उसके पास एलिमेंट सेम होंगे. तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ जाहिर सी बात है कि ये 4 एलिमेंट यहाँ भी है. हाँ भले ही रिपीटेशन कितना हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन एलिमेंट जो इसके अंदर होना चाहिए वही एलिमेंट इसके अंदर भी होना चाहिए. देखिए ये एलिमेंट 4 था, इसके अंदर 4 एलिमेंट है. अब भले ही इसमें 2 बार 4 है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, इसके अंदर 2 था इसके अंदर भी 2 है, इसके अंदर 1 था इसके अंदर भी 1 है, तो ए और बी सेट इक्वल होगा. अब मैं बोलता हूं क्या ए और सी इक्वल है, आप बोलेंगे हाँ सर. क्यों, बस अरेंजमेंट अलग अलग की गई है, पहले 1 है 2 है 4 है, यहाँ 2, 1, 4 लिखा गया है. तो क्या 1 एलिमेंट 1 से मैच किया, क्या 2 एलिमेंट 2 से मैच किया, क्या 4 एलिमेंट 4 से मैच किया, इसका मतलब बच्चा ये दोनों भी इक्वल सेट.
अब मैं बोलूंगा क्या ए और डी बराबर है, आप बोलेंगे हाँ क्योंकि टू इसमें है तो टू इसमें है। रिपीटेशन कितना ऊपर उससे कोई मतलब नहीं है, दो बार तीन बार चार बार उससे कोई मतलब नहीं है। दो आपके पास इसी एलिमेंट है, यहाँ भी दो आया, इसका मतलब ये ए और डी है, ये वन है तो ये वन आया, यहाँ फोर है तो यहाँ फोर आया, इसका मतलब इक्वल से। यहाँ पे अगर हम बात करें ए और ई की, तो ए और ई भी इक्वल सेट है क्योंकि इसमें रिपीटेशन 4 को 2 टाइम्स लिखा गया है और 1 को भी 2 टाइम्स लिखा गया है, लेकिन 4 एलिमेंट इसके अंदर भी था, 4 इसके अंदर भी है, 1 इसके अंदर भी था, 1 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी था, 2 इसके अंदर भी है। तो इतना ही है कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं, तो आपको बता दिया गया है। आप देखें सेट ए और बी बराबर है, ए और सी बराबर है, ए और डी बराबर है और ए और ई बराबर है। अब इसको आप पॉज करके नोट डाउन करें और लास्ट में बात बता देता हूं, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में देखे आऊंगा। ये जो है सेकंड, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इसके बाद इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसे सेट्स को इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे जिसका सेट का जितना नंबर ए का हो उतना ही नंबर बी का हो तो इक्विवेलेंट सेट। जैसे मैं बोल रहा हूं एक एक सेट है, इसमें मैंने लिखा 1 6 7 8, ठीक है। बी सेट है, मैंने लिखा 1 6 8 9 और 11, और सी सेट है, मैंने लिखा 1 2 3 6। अगर मैं बोलूं क्या ए और बी, अब देखिए अब एक्चुअली नंबर ऑफ ए का मतलब क्या है, सिंपल सी बात, एलिमेंट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है। यहां पे इक्विवेलेंट सेट में हमको नंबर ऑफ एलिमेंट से मतलब है, एन ए का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सेट ए में कितने है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। सेट बी में कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इज इक्वल टू 4, है कि नहीं है, 1 2 3 4 है कि नहीं है, बताइए। हाँ है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अब किसका किसका नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ए और सी का, तो हम कहेंगे ए और सी इक्विवेलेंट सेट। हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी इक्विवेलेंट सेट है क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी बराबर नहीं है, बी और सी इक्विवेलेंट सेट है ये भी हम नहीं कह सकते, बिकॉज़ कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी इज नॉट इक्वल। दैट्स ऑल, दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। मैं फिर से समराइज कर देता हूं कि सेट क्या है, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, इसकी चर्चा है उसमें, एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। उसके बाद में बताया था कि सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके से, दो वेरियस मेथड हैं टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, पहला तो सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म मैंने आपको अंतर समझा दिया, उसके बाद में मैंने बताया है कि भाई सेट्स के काइंड कौन कौन से हैं। सेट बहुत तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया सबसे पहले एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, उसको फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है। उसके बाद में हमने आपको बताया कि सिंगलटन सेट क्या होता है, तो सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसके पास केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको मैंने किसी भी नंबर से डिनोट कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने बताया आपको कि फाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए उसके अंदर। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं, इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, नॉन फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि इक्वल सेट किसको बोलते हैं, तो इक्वल सेट उसको बोलते हैं जिसमें सेम एलिमेंट्स हों, सेम एलिमेंट्स जब रहेंगे तभी इक्वल कहलाया जाएगा। और इक्विवेलेंट सेट मैंने बता दिया कि ऐसे सेट इक्विवेलेंट सेट हैं जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ, आप पॉज करके बता कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो दोनों के सेम होने चाहिए। जैसे मैंने सेट ए और सेट बी को इक्विवेलेंट सेट बना के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्योंकि दोनों की सी के भी 4 और ए के भी 4, तो दोनों के एलिमेंट सेम है इसलिए ये इक्विवेलेंट सेट। तो मैं सेकंड पार्ट इसका इस सेट का लेके आऊंगा, तब तक आप इसको अच्छे से रिवीजन करें और ध्यान दें, कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से
आप लोग क्लास लेके, और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे। थैंक यू।